हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा एंड ये वीडियो लास्ट पार्ट का ही कंटिन्यू है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो अभी हम इस पार्ट में फर्दर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में 11th क्वेश्चन तक हो गया था, अभी हम 12th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो 12th क्वेश्चन इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम है। इट इज इनहिबिटेड बाय मैलोनेट ऑक्सैलेट ऑक्सैलो एसिटेट। दिस इज बिकॉज दे, देखो ये जो आपका है ना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, जब आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर आपका एक एंजाइम का एग्जाम्पल आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो एग्जाम्पल है कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का। ठीक है, जब हम एंजाइम का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे पास एक टॉपिक आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स पढ़ते हैं जिसमें से एक ही होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम में क्या होता है कि जैसे देखो ये एंजाइम है और ये यहां पर क्या है, इट इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, अब इस एक्टिव साइट जो होगी यहां पर एंजाइम की, यहां पर एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल है और यहां पर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये दोनों यहां पे कॉम्पीट करते हैं इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए। दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं तो ये एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए यहां पर क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन यहां पर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसी में ही एक एग्जाम्पल यहां पर क्या आता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, जिसमें ये सब यहां पर इनहिबिटर्स है, मैलोनेट ऑक्सैलेट ऑक्सैलो एसिटेट। ठीक है, और जो सबस्ट्रेट यहां पर होता है, सबस्ट्रेट इज सक्सिनेट। ठीक है, सक्सिनेट सबस्ट्रेट है। तो ये जो एंजाइम होगा, इस एंजाइम के एक्टिव साइट पर सक्सिनेट और जो यहां पर इनहिबिटर मतलब मैलोनेट ऑक्सैलेट ऑक्सैलो एसिटेट, ये सब कॉम्पिटिशन करते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। अब इन ऑप्शंस में से हमने यहाँ पर बताना है कि कौन सा करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन यहाँ पे क्या बोला कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इनहिबिट होता है मैलोनेट ऑक्सैलेट ऑक्सैलो एसिटेट से। अब इसका रीजन बता रहे कि क्यों होता है। फर्स्ट इज दे कंटेन टू अमाइनो ग्रुप्स एंड बाइंड टू साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब देखो यहां से पहले तो ये यहीं से ही गलत हो गया कि यहां पर क्या बोला है कि जो मैलोनेट या फिर जो इनहिबिटर्स यहां पर है वो इनहिबिटर्स कहां पे बाइंड करते हैं, बाइंड्स टू द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। बट अभी हमने देखा कि जो एक्टिव साइट यहां पर होती है उसी के साथ ही इनहिबिटर भी बाइंड करता है एंड सबस्ट्रेट भी बाइंड करता है, तो अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने ये बोला कि ये जो मैलोनेट ऑक्सैलेट और ऑक्सैल एसिटेट है दे कंटेन टू अमाइनो ग्रुप। अगर हम इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे ना, इनके स्ट्रक्चर में जैसे मैलोनेट है ऑक्सैलेट ऑक्सैलो एसिटेट, इनमें अमाइनो ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड बाइंड टू साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब ये करेक्ट है कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, बट ऐसा नहीं होता कि ये किसके साथ बाइंड करता है, अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये भी यहां पर क्या हुआ, इनकरेक्ट यहां पर हुआ। नेक्स्ट दे आर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। अब ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ने दे आर द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स अभी किया एंड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और वैसे भी जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं दे डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स मेनली होते हैं जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स नहीं है, और प्लस में मतलब ये करेक्ट है कि हाँ ये किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है दे कंटेन टू अमाइनो ग्रुप्स एंड बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अभी बताया कि ये अमाइनो ग्रुप को कंटेन करते हैं लेकिन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ ये बाइंड करता है, मतलब ये अमाइनो ग्रुप को कंटेन नहीं करते। ठीक है, अभी हमने क्या था, दे डू नॉट कंटेन अमाइनो ग्रुप बट दे डू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है ना, इसमें जो चारों स्टेटमेंट है ना, चारों स्टेटमेंट ही यहाँ पे मतलब कुछ पार्शियली करेक्ट है कुछ पार्शियली इनकरेक्ट यहाँ पर है, तो इसमें से चारों स्टेटमेंट ही करेक्ट यहाँ पर नहीं होगी। अब इसमें से ऑप्शन का क्या करेक्ट बनता, अगर यहाँ पे लिखा होता कि दे आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये यहाँ पे बन सकता था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मतलब अगर ये ऑप्शन होता ना कि दे आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड बाइंड टू द
एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होता, करेक्ट होता। बट अभी जो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चारों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा, जिसमें अभी इन चारों में से तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बट अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता बाइंड टू द एक्टिव साइट, बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता कि दे आर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ, अब ये नॉर्मली पता है एंजाइम्स नॉर्मली होते क्या है, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, बस एक कैटेगरी हमारे यहाँ पर आ जाती है राइबोसाइम्स की। राइबोसाइम्स जो यहाँ पर होंगे, ये यहाँ पर किससे कंसिस्ट होता है, ये आरएनए, आरएनए के पास जब कैटालिटिक एक्टिविटी हो तो उन्हें राइबोसाइम्स बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एंजाइम ट्रांसफॉर्मिंग 1 μM ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट एट 25°C अंडर ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, जब भी हम एंजाइम की बात हम करते हैं ना, तो एक हमारे पास एंजाइम को बताने के लिए, मतलब उनका रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए एक हमारे पास टर्म आती है एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पर होता है, एंजाइम एक्टिविटी में यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो मतलब 1 μM जो यहाँ पर होंगी, 1 μM ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम एक्टिविटी क्या है, 1 μM ऑफ सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, इन 1 मिनट, ठीक है, इन 1 मिनट, इसको हम बोलते हैं एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम एक्टिविटी सिंपल क्या है, एंजाइम एक्टिविटी हम एंजाइम का रेट मेजर करते हैं कि जो एंजाइम है वो मतलब कितने अमाउंट ऑफ एंजाइम है जो 1 μM ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है इनटू प्रोडक्ट पर मिनट, 1 मिनट में। ठीक है, इससे हम बोलते हैं एंजाइम एक्टिविटी। अब ये जो एंजाइम एक्टिविटी है ना, ये इसको सिंपल सा ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 μM/min। ठीक है, ये क्या बनेगा, 1 μM/min, मतलब 1 μM ऑफ सबस्ट्रेट को 1 मिनट में कन्वर्ट करना किसमें, प्रोडक्ट में, और कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो होता है एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो एंजाइम एक्टिविटी है ना, दिस एंजाइम एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज टर्न ओवर नंबर। ठीक है, इस एंजाइम एक्टिविटी को और क्या बोला जाता है, टर्न ओवर नंबर। तो टर्न ओवर नंबर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम चाहिए 1 μM ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू प्रोडक्ट पर मिनट, 1 मिनट में, उसको हम टर्नओवर नंबर या फिर हम क्या बोलते हैं, एंजाइम एक्टिविटी बोलते हैं। तो एंजाइम एक्टिविटी की यूनिट यहाँ पे क्या है, 1 μM/min, या फिर एंजाइम एक्टिविटी की यूनिट होती है केटल। ठीक है, KETEL, केटल यहाँ पर होती है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर उन्होंने मतलब डेफिनेशन दी है, अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड 1 μM ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट एंड 25°C अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस ऑफ मेजरमेंट, इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ एंजाइम या फिर एंजाइम एक्टिविटी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो इसी के साथ ना, यहाँ पर ऑप्शन में क्या मेंशन है, स्पेसिफिक एक्टिविटी या फिर क्या मेंशन है, एंजाइम प्योरिटी। ठीक है, अगर हमें एंजाइम प्योरिटी मेजर करनी हो या फिर प्योरिटी ऑफ एंजाइम अगर हमें मेजर करना होता है, तब हम उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी प्योरिटी मेजर की जाती है, और ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी हमारे पास होता है, ये होता है एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी का मतलब है ये वाला जो भी हमने डेफिनेशन की कि अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म 1 μM ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इन 1 मिनट, वो क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी, एंड डिवाइडेड बाय यहां पर क्या होगा, एंजाइम अमाउंट। ठीक है, यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एंजाइम अमाउंट। ये एंजाइम अमाउंट मोल्स में भी ले सकते हैं, ये एंजाइम अमाउंट मिलीग्राम में भी यहां पर हो सकता है। तो इससे हमें यहां पर क्या मिलती है, प्योरिटी यहां पर मिलती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी सिंपल होता है एंजाइम एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एंजाइम अमाउंट, कि कितना एंजाइम वहां पर यूज हुआ है। ठीक है,
तो देखो सिंपल सा, अब ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ये होगा यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी। तो सिंपल सा, एंजाइम एक्टिविटी ऑल्सो नोन एज टर्नओवर नंबर, ये होता क्या है, अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म वन माइक्रोमोल ऑफ सब्सटेट इनटू प्रोडक्ट इन वन मिनट इज नोन एज एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एट विच टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी वुड बी मैक्सिमम। अब देखो हम जब एंजाइम की बात करते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर एक फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स अपने एक मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। ठीक है, हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जिस पर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना होता है, अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है ना, तो आप उसी टेम्परेचर पर ही, वो टेम्परेचर कैसा होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, जो मैक्सिमम जिस टेम्परेचर पर वो एक्टिविटी शो कर सकते हैं। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हो जाएगी डीनेचुरेशन। ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होते जाएगी, डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइमोसोम्स आर, जाइमोसोम्स होते हैं, जाइमोसोम्स होते हैं जब भी एंजाइम को सिंथेसाइज होता है ना, उसका जो इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है, देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स बन रहे हैं, अब उनकी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि वो ऑल द टाइम एक्टिव रहने चाहिए। ठीक है, ऑल द टाइम उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या होता है, बॉडी क्या करती है, एंजाइम्स को एक इनएक्टिव फॉर्म में बना के रख देती है कि जब उसकी जरूरत होगी तब उसको इनएक्टिव से एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, और यही जो इनएक्टिव फॉर्म होती है किसी भी एंजाइम की, उसको हम बोलते हैं जाइमोसोम्स। ठीक है, हमारी बॉडी ऑल द टाइम हर एक एंजाइम को बना के नहीं रखती है, जब उसकी जरूरत होती है तभी उसकी सिंथेसिस होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी क्या करेगी, एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में बना के रख देती है, जब जरूरत होती है तो उसको इनएक्टिव से एक्टिव कर लिया जाता है। तो जो इनएक्टिव फॉर्म यहां पर होगी इसे हम बोलते हैं जाइमोसोम्स। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, एंजाइम एक्टिंग अपॉन स्टार्च, ये नहीं होता, ग्रुप ऑफ जाइमेस एंजाइम्स नहीं होता, इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स, यस इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स आर जाइमोसोम्स। जैसे एग्जांपल आप करते हो पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन है यहाँ पे, पेप्सिनोजन ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, इनएक्टिव होगा ये, जब इसकी जरूरत होगी तब पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये ट्रू, ये क्या है, पेप्सिनोजन यहाँ पे गए इनएक्टिव प्रिकर्सर यहाँ पर है, जिसे क्या बोलेंगे, जाइमोसोम्स यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट रिजर्व फूड मटेरियल लिपिड इन कैस्टर सीड। अब देखो यहाँ पे डाइजेस्ट किसको करना है, लिपिड को। ठीक है, अब लिपिड को डाइजेस्ट करना है, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम्स आएंगे, लाइपेसिस एंजाइम आएंगे ना, क्योंकि लाइपेसिस एंजाइम क्या कर सकते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, लाइपेसिस एंजाइम। प्रोटीजेस एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसकी डाइजेशन करनी है, लिपिड की डाइजेशन करनी है, तो एंजाइम यहाँ पर क्या होंगे, लाइपेसिस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आउट ऑफ द टोटल एंजाइम्स प्रेजेंट इन दिस सेल माइटोकॉन्ड्रिया अलोन हैज। हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया के पास सबसे ज्यादा एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के जो रेस्पिरेशन है, नॉर्मल जो प्रोसेस है, जो साइकिल्स चल रहे हैं, वो कहाँ पर चल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल एंजाइम में से 70% जो एंजाइम्स होते हैं अलोन माइटोकॉन्ड्रिया के ही पास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 70% एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया अलोन। ठीक है, नेक्स्ट है विच शुगर इज नोन एज ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर इजी सा क्वेश्चन, किस शुगर को यहाँ पे ग्रेप शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज नोन एज द ग्रेप शुगर। सो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अमीनो एसिड नोन टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यू ऑर्गेनिजम्स आर। अब देखो यहाँ पे क्या है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में जो टोटल नंबर ऑफ, हमें यहाँ पे क्या बताने हैं, अमीनो एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है वो, सेल, और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे,
टिश्यू में प्रेजेंट है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की टिश्यू और सेल में जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट है उनका नंबर यहां पे बताना है। अब देखना, ये जो क्वेश्चन यहां पर है इसमें ये नहीं पूछा है कि प्रोटीन में कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, हम करते हैं टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट है। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 22 कुछ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है जो प्रोटीन में प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में मतलब प्रोटीन का पार्ट नहीं होता बट वैसे वो साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनका जो नंबर यहाँ पर होगा ना, वो यहाँ पर आता है 170। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड सेल एंड टिश्यू में प्रेजेंट है 170 होते हैं। 170 में से ही हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, 20 अमीनो एसिड कैसे हो जाते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं। अभी जैसे को नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर से वही नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्वाइट कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन, जो प्रोटीन में यहाँ पर मिलते हैं वो यहाँ पे क्या होगा 20। ठीक है, 20 यहाँ पर आ जाएगा। 22 आता अगर ऑप्शन वो भी करेक्ट होता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा या तो वहां पे 20 मेंशन होगा या फिर 22, कभी भी एक साथ नहीं आएगा, 20-22 एक साथ नहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म प्रोटीन वॉज कॉइन्ड बाय, प्रोटीन टर्म किसने कॉइन की थी। अब चार साइंटिस्ट यहाँ पर है, हेनरी सैंगर, बर्जिलस एंड डूजराडिन। तो इसका जो राइट आंसर है इट इज बर्जिलस। ठीक है, बर्जिलस साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म प्रोटीन यहाँ पे दिया था। अब आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कि जिसमें ये टर्म किसने दी थी, तो आपको मतलब ये सब भी याद करना है, अलग अलग मतलब डिफरेंट टर्म्स किन साइंटिस्ट ने यहाँ पे दी थी। एक या दो क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें कुछ टर्म का वहां पे मेंशन होगा कि ये टर्म किसने यहाँ पे दी है। जैसे प्रोटीन का है, प्रोटीन टर्म किसने दी है, बर्जिलस ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस सर्व एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन लिविंग सेल। मतलब अब हाइड्रोजन आयंस एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का सोर्स बताना है इन द लिविंग सेल। फर्स्ट ऑप्शन इज अमोनिया, अमोनिया इज NH3। अब ये प्रोटोन का तो सोर्स दे सकता है हाइड्रोजन आयंस का, बट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का सोर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मिथेन, मिथेन यहाँ पे क्या होगा, CH4 यहाँ पर होगा, मिथेन गैस। अब इसमें भी यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है। वाटर क्या है, H2O, H2O मतलब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस भी दे सकता है और ये यहाँ पे क्या देगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी। तो वाटर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर है, जो यहाँ पे क्या करता है, सेल के अंदर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस है एंड दी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम डिपेंड्स अपॉन। देखो अभी हमने लास्ट अभी डिस्कस किया टर्नओवर नंबर क्या होता है, जिसे एंजाइम एक्टिविटी भी बोला जाता है। तो टर्नओवर नंबर अभी क्या, टर्नओवर नंबर सिंपल सा होगा क्या, जिसमें यहाँ पे क्या है, 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रोडक्ट पर मिनट। ठीक है, अमाउंट ऑफ एंजाइम ट्रांसफॉर्मिंग 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इन 1 मिनट। अब ये बताना है कि टर्नओवर नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है साइज ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल। अब एक चीज समझना, देखो अब ये एंजाइम है। ठीक है, अब इस एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है, यहां पर एक दूसरा एंजाइम लिया। ठीक है, जिसके पास यहां पे क्या है, तीन एक्टिव साइट यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब जब यहां पे एक एक्टिव साइट है तो यहां पे क्या कर सकता है, सबस्ट्रेट एक ही बाइंड कर सकता है। अगर इसके पास तीन एक्टिव साइट है तो यहां पे सबस्ट्रेट भी उतने ज्यादा बाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, और सबस्ट्रेट जितने ज्यादा बाइंड करेंगे उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उतना हम एंजाइम एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं कि यहां पर क्या, अगर हम दोनों एंजाइम की एंजाइम एक्टिविटी को मेजर करें, यहां पर तो एक एक्टिव साइट के साथ एक सबस्ट्रेट हुआ, यहां पर क्या है, तीन सबस्ट्रेट है। तो मतलब यहां पर हमें कम प्रोडक्ट मिलेंगे कन्वर्ट होते हुए, यहां पर हमें क्या मिलेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट यहां पर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में यहां पर क्या करूं, साइज बड़ा कर दूं। ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट तो सेम है कि यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, बट क्या क्या इनका साइज बड़ा कर दिया। अब साइज बड़ा करने से टर्नओवर नंबर नहीं इफेक्ट होगा। टर्नओवर नंबर इफेक्ट कब होगा, जब नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, क्योंकि टर्न ऑफ नंबर क्या है कि यहां पे कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर रहे हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एंजाइम के पास कितनी एक्टिव साइट है। जितने ही ज्यादा एक्टिव साइट होंगे उतना ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, उतना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ना, वो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एक्टिसाइड यहाँ पर होगा, साइज नहीं होता है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट में भी ये सेम चीज है कि अगर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है, अगर आप सब्सट्रेट की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एट अ टाइम एक ही सब्सट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। तो एंजाइम एट अ टाइम एक ही सब्सट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितने भी बढ़ाते जाओ, लेकिन एंजाइम के जितने बाइंडिंग साइट है वो उतने ही सब्सट्रेट के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट होगा वो क्या करेगा, एंजाइम एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे कर सकता है नंबर ऑफ एक्टिव साइट। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, नंबर ऑफ एक्टिव साइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड के लिए अगर हम सिंगल लेटर कोड देखें तो WYF हमारे पास यहाँ पर होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आ जाता है ट्रिप्टोफैन होगा, टायरोसिन होगा, ठीक है, फिनाइल एलानिन। ये तीन अमाइनो एसिड जो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कौन सा नहीं होगा, थियोनिन यहाँ पर होगा, विच इज नॉट अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। अब हम हेलिकल स्ट्रक्चर करते हैं, ऐसा यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है। अब हेलिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट है जो प्रेजेंट होता है हेलिकल स्ट्रक्चर में, वो यहाँ पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही, बट इसके अलावा हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर कितना स्टेबल होगा, इट डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होते, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, वो पेप्टाइड चेन बनाने के लिए है, लेकिन ये जो हेलिकल ऐसे हेलिकल फॉर्म में जो स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा वो किसकी वजह से यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एक नॉन कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड है 16 कार्बन एटम। इजी क्वेश्चन है, 16 कार्बन एटम का फैटी एसिड यहाँ पे बताना है, पाल्मिटिक एसिड होगा 16 कार्बन, बाकी इन सब में 18 कार्बन होते हैं, ठीक है, 18 कार्बन है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिफरेंट होता है, डबल बॉन्ड का नंबर वहां पे वेरी करता है, ठीक है। तो 16 कार्बन जो यहाँ पर फैटी एसिड है वो यहाँ पे क्या है, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, ऐसे भी बन सकता है कि 18 कार्बन बताओ फैटी एसिड कौन सा होगा, 20 कार्बन फैटी एसिड यहाँ पे बताओ कौन सा है, 24 कार्बन फैटी एसिड बताओ यहाँ पे कौन सा होगा, 16 कार्बन फैटी एसिड कौन सा होगा, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। सो नेक्स्ट है, एफएडी इज फॉर एंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम। अब एक चीज देखो, जब हम एंजाइम पढ़ते हैं, देखो एंजाइम इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, मैक्सिमम क्वेश्चन देखो एंजाइम से ही देखने को मिले। अब एंजाइम का ही यहाँ पर एक पार्ट होता है को एंजाइम, मतलब एंजाइम अपने को एंजाइम के बिना एक्टिव नहीं होता, एंजाइम को एक हेल्पर चाहिए अपना काम करने के लिए, वो यहाँ पे क्या है, को एंजाइम यहाँ पर है, ठीक है। अब को एंजाइम में एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पर क्या है, एफएडी यहाँ पर आता है, एफएडी को एंजाइम है जो एक एंजाइम रिक्वायर्ड यहाँ पर होगा। अब ये जो को एंजाइम होते हैं ना, ये जो को एंजाइम होंगे, को एंजाइम के होते हैं डाइट्री प्रिकर्सर्स, ठीक है, डाइट्री प्रिकर्सर्स होंगे, मतलब कि को एंजाइम भी कहीं से बनेंगे ना। प्रिकर्सर्स का मतलब क्या होता है, प्रिकर्सर का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल जहां से कुछ बनने वाला है, जैसे देखो एफएडी जिस मॉलिक्यूल से बनने वाला है उसे बोला जाता है प्रिकर्सर, ठीक है। वो प्रिकर्सर के जो आगे चल के किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल को बनाने वाला है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अब को एंजाइम्स है, को एंजाइम्स के जनरली जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो विटामिन्स होते हैं, ठीक है। जो को एंजाइम्स है ना, इनके जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स है जनरली विटामिन्स होते हैं। अब जैसे एफडी, एफडी को एंजाइम है, ये किससे डिराइव होता है, ये डिराइव होता है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन एक विटामिन है, और ये है यहाँ पे विटामिन टू, ठीक है, विटामिन टू होगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन से ही आगे एफडी बनता है, और वो फिर एफडी एंजाइम की हेल्प करता है उनको एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप देखो नियासिन, नियासिन पे यहाँ पे क्या है, एक विटामिन यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो विटामिन है, ये किसके लिए यहाँ पे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होगा, ये होता है एनएडी के लिए, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका जो प्रिकर्सर है वो यहाँ पे क्या है, विटामिन नियासिन यहाँ पर होगा, ठीक है।
तो ऐसे अगर अगर यहाँ पे NAD मेंशन होता तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है, नियासिन। तो इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स हैं FAD, NAD, इनके प्रिकर्सर्स क्या है, वाइटामिन से। FAD का प्रिकर्सर या फिर FAD डिराइव किससे हुआ है, राइबोफ्लेविन वाइटामिन से, और जो NAD का प्रिकर्सर या फिर NAD जो डिराइव हुआ है वो किससे हुआ है, नियासिन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लीवर। अब यहाँ पे ADC के यहाँ पे चार वाइटामिन थे, इसमें से ये बताना ह्यूमन लीवर लीवर में कौन सा मैन्युफैक्चर हुआ है, तो आंसर यहाँ पर होगा वाइटामिन ए। वाइटामिन ए एक फैट सोल्यूबल वाइटामिन है, ठीक है। जब भी हम वाइटामिन पढ़ते हैं दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो जो हमारे ADE के होते हैं, ये ADE के यहाँ पर होते हैं, ये है फैट सोल्यूबल वाइटामिन। और जो ए यहाँ पर होगा, ए हमारा जो होता है ये ह्यूमन लीवर में क्या करता है, मैन्युफैक्चर होता है, ह्यूमन लीवर में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। चलो तो ये यहाँ पर थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे थे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।